सामान्य पर्यवेक्षकों और डीईओ ने मतगणना की अंतिम व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला का दौरा किया। बारामूला के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा ने बताया कि कल होने वाले चुनावी मतगणना के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौकसी के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। ये जो हमारा ये डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो हमारी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बारामूला की 7 सुपोर्ट से लेकर 13 पटन तक के सबकी काउंटिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप देखें काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री, उनकी फिस्टिंग, सिक्योरिटी रिलेटेड, उनके वेलफेयर रिलेटेड सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। तो हमारे पास 7 काउंटिंग हॉल्स भी अवेलेबल है, हमारे पास ETBPS की प्रीकाउंटिंग का भी एक हॉल अवेलेबल है। जो भी कमीशन के द्वारा जो फैसिलिटीज देनी होती है, अगर इट इज़ टू आर स्टाफ और टू आर कैंडिडेट्स, वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। हमारे पास कैंडिडेट्स के लिए पब्लिक कम्युनिकेशन रूम भी रेडी है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम भी रेडी है, साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जर्वर्स के रूम है वो भी रेडी है। तो ऑल इन ऑल हमारे स्टाफ की सारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, आज स्टाफ की फेमिलराइजेशन विजिट भी थी और एक ड्राई रन भी था कल के लिए। तो इन ऑल हमारे आर ओ साहिबान, उनके जो ARO हैं, वो सारे रेडी हैं कल के कम्प्लीट। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने